ये सारियां सरित्रा देवी और इन्हें ग्रां आस्ते किन्ने काम किते अस इंदी सराहना नहीं करी सकते। तो साढ़े हथ इंडिये थोड़ा स्वागत में और तुम बड़े नेक नेक काम करने वाले इंसान हो और मतलब है कि एक देवी रूप आदमी हो तो क्योंकि देवी रूप रूप जी लेडीज होंगी वो तो ग्रां आस्ते बड़ा एक बेनीफिट होंगे क्योंकि तुम्हें अज तक ना कोई मतलब है कि थूम गंढा का सेवन किया ना कोई ऐसी चीज़ की किन्ने नत्त रखे किन्ने वर्त रखे और तुसी अस डेली मंदिर दिखने जाते सवेरे जने देखो शामी देखो तो मंदिर में और ग्रां में कम से कम 70-80 जनानियां उसे अंगेज रखी है अपने सत्संग अपने कीर्तन मंडली उन्हें मौका नहीं लगता है कि अस कोई मतलब है कि ऐसी कोई बगावत करिए कुछ के खिलाफ समाज के अंदर ऐसा सुनेहा दिता कि इस वे सारिया लेडीज जीडिया बड़ी धार्मिक टाइप और अपने घर वाले भी अगर वो शराब मीट सेवन करिए आता उसी भी नहीं अंदर आना भाई पहले जाओ बाहर बैठो जाए और बच्चे जड़े हैं और जड़िया कन्या जड़िया कुवारियां उन्हें भी ऐसा ज्ञान दिता कि उन्हें वो भी अपना जोड़ा समय स्कूला कटदियाँ और सत्संग थोड़े चल दी तो मतलब है कि थोड़ी वजह करने सारा समाज जेका है बड़ा अग्गे है और बड़ा धार्मिक है और सोच के हिसाब करने धार्मिक हिसाब करने और करैक्टर के हिसाब करने ये सब तू अगे साढ़ा ग्रां है अगे पिछे कोई ऐसा ग्रां नहीं है जेका इन्ने करैक्टर करने चले और इन्ना धार्मिक रूप करने चले। तो मतलब है कि अस थोड़े को एक छोटा जहा भजन सुनना चाहते हो चाहे तुम माता का सुनाओ चाहे राम जी का सुनाओ चाहे कोई भी सुनाओ चाहे कृष्ण महाराज का सुनाओ मगर एक थोड़ा एक अस थोड़ी कला जेकी अस अपने जम्मू कश्मीर और बाहरले देशों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जी सत्संग दी तो थोड़े अगर महाराज मेहरबानी है असं दो लफ्ज कोई भजन सुनाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो राधा और कृष्ण भगवान की जय। श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना मुरली सुनाना जीवन सफल बनाना श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना ओ जब जब धरती पे पाप बड़ा है जब जब धरती पे पाप बड़ा है तब तब श्याम जी को आना पड़ा है तब तब श्याम जी को आना पड़ा है श्याम दीवानी होई ये राधा रानी श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना ना पूजाना पाठ समाधि ना पूजाना पाठ समाधि जन्म जन्म की मैं अपराधी जन्म जन्म की अपराधी क्षमा करो अपराध हमारे श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना श्याम पिया जी मुझे मुरली सुनाना बोलो बंसरी वाले भगवान की जय। देखिया तुसें लोकें के एक 78 साल की जी लेडीज है उसका गला देखिया उसकी सुर देखी कि किस हिसाब कन्ने उन्हें यह भजन गाया और इंदा मतलब 45 साल का एक्सपीरियंस है कि भजन गांदी आई हैं और इस वेले देखो इंदा मतलब है कि गला देखो कि इं सही होता कि जियां एक 18 साल की लड़की भजन गाए करती। तो इस गला अस तुहाड़े बड़े शुक्रगुजार हाँ और तुसें साढ़े प्रोग्राम आए स्पैशल शो च तो इस गल्ला तुस इस चीज़ की बंद नहीं करो अस तुहाड़े करने जिथे जिथे भी कोई कमी समझो किसी किसी की परेशानी हो तो समाज का सहयोग तुसें मिलता रहो। जय श्री राम। जय भारत।